Good morning, students. In our last class, we have discussed some numericals and some conceptual questions that are based on the modulus of elasticity, right? Now today we are going to start with our next topic, that is also the very important topic, which is basically the Poisson's ratio. It's Poisson's ratio. Kya hota hai Poisson's ratio? Kya samajhte hain hum isse? That thing we are going to discuss here. So, एक काफ़ी practical चीज़ है. Simple सी बात है कि अगर मैंने एक wire लिया and if I increase the length of wire, so obviously उस wire की length में increase करने से सिर्फ उसकी length ही change नहीं होगी but उसकी जो thickness है वो भी change होगी, right? Obviously बात है कि जब मैं एक wire की length को बढ़ाऊँगा तो उसकी लेंथ में चेंज होने के साथ साथ उसका डायमीटर भी जो है वो चेंज होगा, राइट? मतलब उसकी थिकनेस कम होती जाएगी जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इलोंगेट करते जाओगे, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने एक बॉडी पर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उस डीफॉर्मिंग फोर्स के कारण ना सिर्फ उस बॉडी में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप हुआ है बल्कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ साथ उसमें लेटरल स्ट्रेन भी डेवलप हुआ है. दैट इज उसकी लेंथ, ना सिर्फ उसकी लेंथ चेंज हुई है उस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण बल्कि उसकी डायमीटर में भी चेंज हुआ है, आया है, राइट? सो यही होता है पॉइजन्स रेशो, दैट किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर ना सिर्फ उसकी लेंथ चेंज होगी बट उसका डायमीटर भी चेंज होगा. और वी कैन से दैट ना सिर्फ उसमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा बल्कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होने के साथ साथ लेटरल स्ट्रेन भी डेवलप होगा और उसी को लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन के रेशो को ही हम बोलेंगे पॉइजन्स रेशो, राइट? ऑब्वियसली बात है पॉइजन्स रेशो बेसिकली एक तरीके के रेशो की बात हो रही है. सो पॉइजन्स रेशो जिसको कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये एक तरीके का रेशो ही है बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज. सो यू कैन से दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, ऑब्वियसली बात है ये सारी चीज़ें इलास्टिक लिमिट्स के अंदर होंगी तो ही हमको ये सब देखने को मिलेगा. अगर आप इलास्टिसिटी लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो जो वायर है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देगा, राइट? सो अगर इलास्टिक लिमिट्स में मैं किसी वायर पे एक फोर्स लगा रहा हूँ तो उसमें ना सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है बल्कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होने के साथ साथ लैटरल स्ट्रेन भी डेवलप होगा और यू विल गेट द रेशियो विल बी गिवन बाय लैटरल स्ट्रेन अपॉन में द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का ये जो रेशो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉइजन्स रेशो. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो आपको पता ही है, चेंज इन लेंथ अपॉन में द ओरिजिनल लेंथ. लेटरल स्ट्रेन जो है वो हमको ये बता रहा है कि चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर, राइट? सो दिस इज बेसिकली डिनोटिंग मी द चेंज इन डायमीटर. सो पॉइजन्स रेशो को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं तो आई एम राइटिंग इट हियर ओनली. आपके पास लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की बाय डेफिनेशन फॉर्मूला होता ही है दैट दिस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ दैट इज डेल एल अपॉन में एल, या इसको मैं लिख लेता हूँ स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल, वेयर स्मॉल एल डिनोटिंग द चेंज इन लेंथ एंड कैपिटल एल डिनोटिंग द ओरिजिनल लेंथ. अगर मैं लेटरल स्ट्रेन की बात करूं दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमीटर, तो लेटरल स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर, बट यहाँ पे माइनस साइन भी हम लगा रहे हैं. माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, या जैसे जैसे लेंथ डिक्रीज होगी वैसे वैसे डायमीटर इंक्रीज होगा, राइट? सो दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट ड्यू टू द इंक्रीज इन लेंथ there will be a decrease in diameter. यहां से अगर मैं सारी values put करूं so I will get the sigma is equals to lateral strain that is minus d upon में d
अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल, यू विल गेट दिस सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन में डी और एल अपॉन में एल, राइट। ये तब जब हमको वायर का डायमीटर दिया हुआ हो, यूजुअली क्वेश्चंस में हमको रेडियस दी हुई होती है, तो इसको हम रेडियस के फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट विल बी दिस, राइट। सो इन दिस वे वी कैन गेट द फॉर्मूला फॉर द पॉइजन रेशियो दैट इज सिग्मा विच इज इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल आर इंटू कैपिटल एल अपॉन में कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल, राइट, वेयर द नेगेटिव साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग मी दैट ड्यू टू द इंक्रीज इन लेंथ द डायमीटर ऑफ द वायर डिक्रीजेस। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, थियोरिटिकली अगर हम बात करें, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू लाई करती है -1 से 0.5 के बीच में। अगर आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करोगे तो थियोरिटिकली जो पॉइजन रेशियो है वो इतना आना चाहिए आपके पास, -1 से 0.5 तक। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रैक्टिकली हमको चीज़ों का जो पॉइजन रेशियो मिलता है उसकी वैल्यू मिलती है फ्रॉम 0 to 0.5, राइट। सो दिस वन इज द थियोरिटिकल वैल्यू एंड दिस वन इज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हियर, राइट। So this was basically the Poisson's ratio that we have discussed now. Now the next topic that we are going to study is the elastic fatigue. Elastic fatigue क्या होता है वो समझते हैं। Basically fatigue का मतलब होता है थकान। So elastic fatigue भी कुछ कुछ उसी तरीके से है जैसे हम normally समझें अगर थकान का मतलब। सो जब एक पर्सन अपने रिपीटेड टास्क को करने के बाद थक जाता है, फटीग हो जाता है, उसी तरीके से जब आप एक बॉडी पर रिपीटेडली कोई फोर्स अप्लाई करते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, तो कुछ समय बाद क्या होगा, उस वो अपनी इलास्टिसिटी को उसकी इलास्टिसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट। ऑब्वियसली बात है कि अगर एक रबर बैंड को जब हम फ्रेश रबर बैंड होता है, नया होता है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप उस पर बार बार कंटिन्यूसली एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा, कुछ समय बाद उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। सो कुछ समय बाद उसकी जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है, दैट इज बेसिकली वॉट यू कॉल द इलास्टिक फटीक, राइट। सो सिंपली वी कैन डिफाइन द इलास्टिक फटीक एज दैट व्हेन वी अप्लाई the deforming force on any object repeatedly, then due to that repeated action of deforming force on that object, the body will reduce, the elastic limits of the body will get reduced, and that condition, that stage is called as the elastic fatigue stage, right? Now इसी से मिलता जुलता एक और effect है, that is elastic after effect. सो क्या समझते हैं हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट से, वो दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। सो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है, ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पे नाम से समझ पा रहे हैं कि समथिंग विच इज टेलिंग अबाउट द इफेक्ट दैट इज कॉज आफ्टर इलास्टिंग, राइट। सो एक बॉडी, एक रबर बैंड जिसपे मैंने स्ट्रेच किया जिसको, और मैंने उसको रिलीज किया, तो वो सडनली अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है, राइट। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिन पर जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उनको अपने ओरिजिनल शेप में आने में कुछ समय लगता है। जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स रिलीज किया, इमीडिएटली वो बॉडीज अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती हैं और उनको अपने ओरिजिनल शेप में आने में कुछ समय लगता है, और बेसिकली इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, दैट जब भी किसी बॉडी पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और उसको अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपने ओरिजिनल शेप में आने में कुछ समय लगे, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बेसिकली द डिफॉर्म द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, राइट। सो वी हैव सीन द टू थिंग्स, दैट इज इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग मतलब जब कोई बॉडी अपना इलास्टिक लिमिट्स को रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द रिपीटेड एक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्सेस,
सो दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक फटीग। एक चीज और इलास्टिक फटीग में, अगर आप उस बॉडी को, जैसे हम अगर थक जाते हैं तो अगर हम कुछ देर रेस्ट कर लें तो हम फिर से अपनी एनर्जी को गेन कर लेते हैं, वैसे ही कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो इलास्टिक फटीग के बाद अगर आप उनको कुछ देर के लिए रेस्ट दे दो तो वो फिर से अपनी इलास्टिसिटी को रीगेन कर लेती हैं, राइट। सो इलास्टिक फटीग वो कंडीशन है जहाँ कोई बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को परमानेंटली लॉस नहीं कर रही है, जब आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दोगे तो वो फिर से अपनी इलास्टिसिटी को गेन कर लेगा। और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट वो समय जो टाइम किसी बॉडी को लगता है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड एज द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट विच वी शुड नो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक वायर जिसपे हमने डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और उस डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वो वायर है उसमें हमको स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी, वो जो वायर है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। सो एक वायर जिसपे हमने डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया एंड ड्यू टू दैट डीफॉर्मिंग फोर्स द वायर इज गेट स्ट्रेचिंग, एंड सिंस इट इज गेट स्ट्रेचिंग इसका मतलब सम वर्क इज बिंग डन बाय द डीफॉर्मिंग फोर्स। हम ये बोल सकते हैं कि जो डीफॉर्मिंग फोर्स अपने हमने अप्लाई किया है उसके द्वारा कुछ वर्क किया गया है। सो यहाँ पे हमको उस वर्क डन के लिए ही जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करना है। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पे मैंशनेबल है कि आपको पता है द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। तो जब डीफॉर्मिंग फोर्स ने कुछ वर्क किया तो वो जो वर्क है वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमको पता है कि जब भी कोई वर्क डन किया जाता है तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सो यू वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। सो इनिशियली द डीफॉर्मिंग फोर्स वॉज जीरो, और जैसे ही और धीरे धीरे वो जो डीफॉर्मिंग फोर्स है वो इंक्रीज हुआ। सो हम मान लेते हैं कि जो एवरेज फोर्स होगा या जो टोटल एवरेज फोर्स हम मान सकते हैं, जो एवरेज फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में वायर अपनी ओरिजिनल शेप में था, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, सो स्टार्टिंग में जो फोर्स अप्लाई हो रहा था दैट वॉज जीरो, बाद में जो फोर्स अप्लाई हुआ दैट वाज एफ, और एवरेज निकालने के लिए हमने टू से डिवाइड कर दिया, एंड यू विल गेट द एवरेज फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द वायर विल बी गिवन बाय एफ अपॉन में टू। ऑल्सो एक चीज आपको पता है दैट द वर्क डन कैन बी गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज हमको पता है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक वायर के केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो वायर ओरिजिनली हमने मान लिया किसी पर्टिकुलर लेंथ का था, कैपिटल एल। जब हमने उस पर मास सस्पेंड किया तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज इन लेंथ हुआ, और जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ उसको मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल एल से। सो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, डेल एल के बराबर, राइट। The change in length is being denoted by del l, so I can write this as displacement as del l. जो force है वो हमारे पास कितना आ गया है, f upon में 2, so I have written it f upon में 2 as it is. So आपके पास values आ गई हैं force की और जो displacement है that is del l. Also एक चीज आपको पता है कि जो force है जो work done होता है वही energy भी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से डिनोट करता हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज यू इज इक्वल्स टू एफ इनटू डेल एल। हमने सिर्फ 1/2 को अलग लिख दिया है, नथिंग एल्स वी हैव डन, राइट। सो हमने सिंपली इस डब्ल्यू को यू लिख दिया, दैट वेयर दिस यू इज डिनोटिंग मी द पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज और करते हैं, इस टर्म में ए इंटू एल से मल्टीप्लाई एंड ए इंटू एल से डिवाइड कर देते हैं।
राइट। सो हमने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिया और a इंटू एल से ही डिवाइड भी कर दिया है। वी कैन सिंपली डू दिस। ऑल्सो एक चीज यहाँ पे टर्म्स को मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, f के अपॉन में a लिख देता हूँ, डेल एल के अपॉन में स्मॉल एल लिख देता हूँ और ये ए एल मैंने एज इट इज लिख दिया, राइट। और आपको एक चीज पता है स्टूडेंट्स, दैट दिस f अपॉन में a इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। सो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू f अपॉन में a स्ट्रेस होता है तो हमने स्ट्रेस लिख दिया, डेल एल अपॉन में l इज स्ट्रेन सो आई हैव रिटन स्ट्रेन हियर इंटू a इंटू l, a इज एरिया, l इन l इज द लेंथ। आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एरिया इंटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा, बिकॉज बेसिकली इट इज डिनोटिंग मी द थ्री टाइप्स ऑफ लेंथ हियर, और थ्री टाइप्स ऑफ लेंथ का जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज एल इंटू एल इंटू एल विल बी द वॉल्यूम, राइट। सो यू हैव गॉट हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, दिस इज द वैल्यू ऑफ यू, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसके अलावा मुझे एक चीज और पता है, दैट वाई दैट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी गिवन बाय वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, राइट। मुझे ये चीज पता है वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और मैं लिख सकता हूं दिस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन, दिस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y into strain, यहां से अगर मैं स्ट्रेस की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, गिव इट इक्वेशन नंबर वन, अगर मैं ये जो वैल्यू आई है उसको यहां पे पुट कर दूं, सो दैट आई विल गेट u is equals to half into स्ट्रेस की जगह पे हमने लिख दिया y into strain into this strain as it is I have written into volume, so सारी चीजें हमने यहाँ पे put कर दी, you will get this u is equals to half into y into strain will be the strain का square into the volume, so the, all the things up to now must be clear, हमने सिर्फ एक relation निकाला है, वहाँ पे जो values आ रही थी उनको हमने जिस यहाँ पे put कर दिया, right? Now आगे समझते हैं। पोटेंशियल स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट, ये तो जो जो वैल्यू हो गई वो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी की हो गई। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ गया, और जब डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ गया तो हमारे पास जो टर्म्स बच गई दैट विल बी बेसिकली अपॉन अपॉन वाले वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, राइट। So this is basically the value of potential energy stored per unit volume here. Also, अगर मैं यहां से per unit volume potential energy की value निकालूं, so from equation one I will get the potential energy per unit volume will be given by half into stress into strain. राइट यहाँ पे भी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, सिंस ये भी एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो दे बोथ मस्ट बी क्लियर, दे बोथ मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, एंड इफ दे बोथ मस्ट बी इक्वल्स टू ईच अदर सो दैट यू विल गेट, एक चीज और उसके पहले हम समझ लेते हैं, दैट वी नो दैट This y is equals to stress into strain. तो यहाँ पे अगर मैं strain की जगह y into stress put कर देता हूँ, so I will get half into stress का square upon में stress का square upon में y, right?
So this is the thing that I have got from here. That is u is equals to half into stress ka square upon mein y. So हमने मान लिया कि हम स्ट्रेस को डिनोट कर रहे हैं एस से, स्ट्रेन को डिनोट कर रहे हैं अल्फा से, और यंग्स मॉड्यूलस को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल वाई से. तो यहां से हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आ जाएंगे यू के लिए. पहला तो ये, दैट इज यू इज इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, दैट इज अल्फा का स्क्वायर, और u इसके भी बराबर होगा, दैट विल बी हाफ इनटू स्ट्रेस का स्क्वायर, दैट इज s का स्क्वायर अपॉन में y. सो हमारे पास दो रिलेशंस आ गए या दो वैल्यूज आ गई इस u की, दैट इज हाफ s स्क्वायर अपॉन में y. आल्सो हमारे पास आ गया दैट इज हाफ अल्फा स्क्वायर इनटू y. आल्सो एक और रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी that will be this one, that is half, stress is denoted by s, strain is denoted by alpha. So आपके पास u के लिए तीन expressions आ गए हैं, और इन तीनों की help से जो numericals हैं वो आप solve कर सकते हो. That is u is equals to half y alpha square, u is equals to half s square upon में y, and u is equals to half s alpha. These are the three formulas by for the potential energy due to a current carrying the potential energy in a wire जिस पे हमने कोई mass suspend किया है, right? So that's all for today's class, students. The further topics we are going to study in the next lecture. Thank you.